तो अभी हम देखते हैं, हम आज कुछ पढ़ रहे हैं। पहले देखते हैं कि लूप क्या होता है, और फिर द व्हाइल लूप, ये फंक्शन है और ये इसकी जर्नल एलिमेंट का नाम है। कह रहा है, अ लूप इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम डेट रिपीट्स। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लूप का। लूप की डेफिनेशन इसने बता दी है कि किसी भी प्रोग्राम को रिपीट करने के प्रोसेस को हम लूप कहते हैं। रिपीट करना, रिपीट दो तरह से होता है। जैसे एक रिपीट ये है, ए ए ए ए ए ए, और एक रिपीट यू है, 1 2 3 4। अब आप कहेंगे, सर ये रिपीट तो नहीं हो रहा। इसमें एक रिपीट हो रहा है प्रोसेस, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, ये रिपीट ही हो रहा है ना, बार बार प्लस वन हो रहा है। तो इस तरह से हम रिपीट जब करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम से, तो वो हम लूप के जरिए करते हैं। तो व्हाट इज द लूप? रिपीटेशन ऑफ कोड या रिपीटेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड लूप। अब लूप की जर्नल डेफिनेशन तो हमें पता पड़ गई, लेकिन उसमें फंक्शन कौन सा यूज करेंगे जो हमें हेल्प करेगा लूप को रन करने में? तो वहां पर हमारे पास फंक्शन है द व्हाइल लूप। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है? व्हाइल, व्हाइल ये है फंक्शन। ठीक है, और उसको कहते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, तो कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कह रहे हैं कि अगर आपका जो ये स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, विच डायरेक्ट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, जो के प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेगा। अ लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर डेट कॉज द स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू रिपीट। लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है जिसमें आप अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। यूजुअली प्रोग्राम का कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से और एंड हो जाएगा रिटर्न जीरो पे। लेकिन लूप बीच के अंदर अपना एक कंट्रोल स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और उसको जितनी बार चाहे प्रोसेस करा सकता है। अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है इस तरह से, यहां से बॉल आता है और यहां से आके एग्जिट हो जाता है, यहां से बॉल आता है यहां से आके एग्जिट हो जाता है। अब हमारा प्रोग्राम चलेगा, यहां से आएगा लूप के पास। अब लूप उसको बार बार जितनी बार चाहे रिपीट करा सकता है और फिर उसको छोड़ देगा। तो यहां पर सी हैज द थ्री लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। सी के पास तीन लूप्स हैं, द व्हाइल लूप, द डू व्हाइल लूप एंड द फॉर लूप। व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप, एक ही काम को करने के तीन फंक्शन हैं। अब वो अलग अलग क्वालिटीज और क्वांटिटीज के साथ काम करेंगे, वो हम सीखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द दीज स्ट्रक्चर्स, हाउ दे कंट्रोल द रिपीटेशन। वही कह रहा है, इनमें फर्क ये है, काम तीनों एक ही करते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे रिपीट करते हैं, वो हमें इनका फर्क को समझना है। तो द व्हाइल लूप हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। व्हाइल लूप को जब हम लिखते हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, एक एक्सप्रेशन डेट इज टेस्टेड फॉर द ट्रू और फॉल्स, और दूसरी है वैल्यू, अ स्टेटमेंट और ब्लॉक डेट इज रिपीटेड एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इज ट्रू। कह रहा है कि एक तो होगा एक्सप्रेशन, जिससे ये डिसाइड होना है कि ये लूप आगे चलेगा या नहीं, इट बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स, मतलब इसमें कंडीशन होगी। और दूसरा है कि जिसमें वो ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आपको रिपीट करवाना है, वो 1 लाइन का कोड है, 10 लाइन का कोड है, 25 लाइन का कोड है, 50 लाइन का कोड है, जिसको रिपीट कराना है। तो इसके दो हिस्से होते हैं, नंबर एक एक्सप्रेशन डेट इज टेस्टेड, नंबर दो स्टेटमेंट अ ब्लॉक ऑफ डेट इज रिप्रेजेंटेड अ लॉन्ग एज एक्सप्रेशन इज ट्रू। फिगर 5 शोज द लॉजिक ऑफ द फाइल लूप। ये डायग्राम के जरिए आपको समझाया जा रहा है। ये देखिए क्या होता है, हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा। सबसे पहले प्रोग्राम इंटर होगा लूप में, यहाँ पे चेक करेगा एक्सप्रेशन को, इसको हम डायमंड बॉक्स कहते हैं, कंडीशन चेक करने का। एक्सप्रेशन में अगर कंडीशन होगी ट्रू तो जो आपका कोड है वो रन होगा, अगर कंडीशन होगी फॉल्स तो आपका कोड रन नहीं होगा और ये स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा, लूप के कंट्रोल स्ट्रक्चर से बाहर निकल के मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। यानी कि मेन प्रोग्राम से पहले लूप में आएगा, वहां कंडीशन चेक करेगा, इफ ट्रू तो जो कोड लिखा हुआ है परफॉर्म करेगा, और जैसी फॉल्स होगी कंडीशन तो ये वापस एग्जिट होके मेन प्रोग्राम में आएगा और मेन प्रोग्राम से प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे हियर इज अ जनरल फॉर्मेट, व्हाइल, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और ये परफॉर्म होगा। अब आ जाते हैं नीचे। इन जनरल फॉर्मेट एक्सप्रेशन इज एनी एक्सप्रेशन डेट कैन बी एवेल्यूएटेड एज ट्रू एज फॉल्स। कोई भी एक्सप्रेशन हम ट्रू और फॉल्स पर चेक कर सकते हैं।
एंड द स्टेटमेंट इज एनी वैलिड सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, और कोई भी सी प्लस प्लस की सही स्टेटमेंट परफॉर्म करवा सकते हैं जितनी बार रिपीट चाहे. द फर्स्ट लाइन शोज इन द फॉर्मेट समटाइम्स कॉल्ड लूप हेडर, इसको हम लूप हेडर भी कहते हैं, लूप हेडर. एंड इट कंसिस्ट ऑफ द की वर्ड वाइल फॉलोड बाय द एक्सप्रेशन, और इसमें कमांड लिखी होती वाइल, और यहाँ पे जो आप कंडीशन बताएंगे वो यहाँ लिखी जाएगी, वो भी कमांड का हिस्सा होंगे. क्लोज इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस कहते हैं इन ब्रैकेट्स को, ठीक है. Here is how the loop works. The expression is tested. If the true, the statement is executed. The expression is tested again. If the true statement is executed, the cycle repeats until expression is false. कितनी बार इस स्टेटमेंट को वो परफॉर्म करेगा ये देखें. इसने while loop लिखा या expression बताएंगे, ये expression English का word है, expression नहीं लिखना बल्कि इसमें expression बताना, जैसे if की condition में बताते हैं, और यहाँ पे वो statement लिखनी है जो perform करवानी है. हर दफा जब लूप चलेगा पहले एक्सप्रेशन को चेक करेगा, अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये कोड परफॉर्म होगा, फिर दोबारा चेक करेगा, ट्रू होगा तो ये दूसरी बार परफॉर्म होगा, फिर ये ट्रू होगा तो ये तीसरी बार परफॉर्म होगा, और चौथी बार में अगर फॉल्स हो गया तो ये इसको बाईपास करके एग्जिट हो जाएगा. इस तरह से ये लूप पर काम करता है. देखिए पानी की मोटर कैसे चलती है, जैसे बटन ऑन करते हैं तो ईच एंड एवरी टाइम मोटर जब चलती है तो वो चेक करती है और frequently electricity को consume करती है board से. अगर देखा जाए तो जैसे पहला round लगाया, check किया light आ रही है, फिर light ली, फिर check किया light आ रही है, फिर light आ रही है, light आ रही है, तो वो repeat करता जा रहा है आपका पानी का motor एक ही process को, और उसके नतीजे में क्या आ रहा है, पानी, oil, liquid जो भी नीचे से वो supply कर रहा है. लेकिन अगर एक दफा check करने पे check किया light on और हो गई light off तो मोटर का प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा. इसका मतलब मोटर ऑलवेज एक्सप्रेशन चेक करती है कि लाइट ऑन, अगर लाइट ऑन है तो वो पानी को फिल करती रहती है, सक करती रहती है, और जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो कंडीशन हो जाती है फॉल्स, और इस सूरत में वो अपना काम छोड़ के एग्जिट हो जाती है, काम करना छोड़ देती है. इस तरह लूप काम करेगा. द लूप वर्क्स लाइक इफ एन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ओवर एंड ओवर एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस इज ट्रू द कंडीशनली एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट और ब्लॉक विल रिपीट प्रोग्राम. तो यहाँ पर लूप इस तरह से पैरेंथेसिस में जो भी कोड लिखा होता है उसको परफॉर्म करता रहता है अगेन अगेन जब तक कंडीशन ट्रू होती है, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो रुक जाएगा. अब इसने 5 times हेलो प्रिंट कराया है, तो कैसे कराया है, सिंपल सा प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखा है वही, वहां से शुरू किया है, एक वेरिएबल लिया है नंबर के नाम से इंटीजर, और फिर देखें इसने एक्सप्रेशन कैसे चेक कराया है, व्हाइल नंबर लेस देन 5. दिस इज इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम, लूप हेडर. इस स्टेटमेंट को कहते हैं लूप हेडर, जिसमें ये कीवर्ड है, कमांड है, और ये क्या है, एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉजिक, कंडीशन. तो ये एक एक्सप्रेशन है. मैथमेटिक में भी वो पढ़ाते थे ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, तो क्या कहते थे, एक्सप्रेशन है. वो एक्सप्रेशन में जो कंडीशनल लॉजिक होती थी उसको चेक करके आपको सॉल्व करना होता था. तो यहाँ पर भी ये एक्सप्रेशन है. अब क्या होगा, ये लूप की बॉडी है और ये वो स्टेटमेंट है जो ये लूप परफॉर्म करेगा अगेन एंड अगेन या ओवर एंड ओवर अगेन. और ये वो क्या है, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट. क्या कहते हैं, ये जो आ गया प्लस देख रहे हैं ना, इनको हम यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं. कौन से ऑपरेटर, यूनरी, यूएनआई, यूएनआई, यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, वो मैंने फाइल भेजी थी आपको ऑपरेटर वाली, इसमें पढ़िएगा. अर्थमेटिक ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर में क्या फर्क है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं. कितने ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, दो नंबर, जैसे ए प्लस ए, तो यहाँ दो ऑपरेंड है, वन प्लस टू, तो यहाँ पे दो ऑपरेंड है. ठीक है, यहाँ लिख के बताता हूँ, टू प्लस टू. तो इस प्लस को कितने, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसको कितने ऑपरेंड चाहिए प्रोसेस करने के लिए, दो. क्या ये ऐसे कर सकता है, क्या ये ऐसे प्रोसेस कर सकता है, नहीं कर सकता. चाहे चाहे बीच में माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, इनको दो ऑपरेंड चाहिए होंगे या दो से ज्यादा, तो ये किसी प्रोसेस को फॉलो कर सकेंगे, वेदर वो कॉन्स्टेंट नंबर हो या वो कोई वेरिएबल हो, दो चाहिए. सही है? फिर आते हैं यूनरी. यूनरी मतलब एक ही ऑपरेंड पे कर लेने वाले ऑपरेटर्स. अब यूनरी ऑपरेटर क्या आते हैं, इनके लिए दो हैं,
ये कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस। इनको कैसे लगाएंगे, मिसाल के तौर पे ए इज इक्वल टू वन किया और ए की आगे लगा दिए, ये कहलाते हैं पोस्ट फिक्स। जब आगे लगाएंगे तो क्या कहेंगे, और जब पहले लगा देंगे तो क्या कहलाएंगे, सही है। इसमें एक ही ऑपरेंट रिक्वायर्ड होता है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए की वैल्यू को वन पे सेट किया है, ए व्हाट इज ए, एक इंटीजर वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कैरेक्टर नहीं हो सकता, डबल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ओके। आगे लाइन पे आपने ये स्टेटमेंट लिखी है और यहाँ पर आप सी आउट करके ए की वैल्यू ले रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, टू आएगा। और यहाँ पे अगर आप सी आउट करके ए ले रहे हैं तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर वन आएगा और यहाँ पे टू आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई, आ गई ना। अच्छा अब यहां पर क्या आएगा, चेक कर ले, ठीक है। तो यहां से हमने एक न्यू फाइल ले ली, एक मिनट को स्टॉप करते हैं।